अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाह किचन। आप सब कैसे हो? ईद मिलाद के दिन मैं बात करना चाहती थी, मुझे नहीं हुआ क्योंकि मैं हॉस्पिटल में थी। हमारे घर में नया सदस्य आया है, यानी कि नया मेहमान आया है मेरे बेटी के घर में, तो वो यहाँ पर ही है। मैं दो दिन हॉस्पिटल में थी, इसीलिए मुझे आपसे मिलने मौका नहीं मिला। तो आज मैं कुछ मीठा बना रही हूँ। मुझे कमेंट्स में भी बोले थे मीठा बनाइए, यानी कि हैदराबादी कद्दू की खीर। शादियों में जो हैदराबाद में बनती है कद्दू की खीर, वो मैं बनाकर आपको बता रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं कद्दू की खीर। शादियों में जो हैदराबाद में बनती है, वो यहाँ बैंगलोर में भी ये बनती है। कद्दू की खीर बैंगलोर में भी बहुत ज्यादा शादियों में बनती है, मेरे घर में भी ये बहुत मैं बनाती हूँ। अब इसे क्या क्या चाहिए बताती हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, मैं 1 किलो जितना कद्दू ली थी, कद्दू कस करके रख ली हूँ। पहले क्या करना है, कद्दू का छिलका उतारना है, फिर बीच से कट करना है, अंदर का निकालना है, फिर ऐसा कद्दूकस कर लेना है। इसे यहाँ पर कद्दूकस करके रख ली हूँ। यहाँ पर साबूदाना मैं भिगो कर रख ली हूँ, पानी में धोकर भिगो कर रख ली हूँ, मोटा वाला ली हूँ। साबूदाना, खोवा, यहाँ पर बादाम, पिस्ता, इलायची पाउडर, बादाम और पिस्ता पाउडर, कलर हरिया कलर, कस्टर्ड पाउडर, चीनी, ये है। यहाँ पर 1 लीटर दूध मैं गैस पर पहले से रख ली हूँ, ये भी दिखाती हूँ। 1 लीटर दूध देखिए, 1 लीटर दूध मैं गैस पर रख ली हूँ। ये फैट वाला गाढ़ा वाला दूध है, 1 लीटर दूध, इसमें थोड़ा भी पानी नहीं है। इसे पकने देना है। सबसे पहले क्या करना है, कद्दू को थोड़ा गलाना है, बताती हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, एक पैन रख ली हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाली हूँ। अभी इसमें कद्दू को डाल लेती हूँ। पहले से कद्दू को धोकर तुरुप कर रखी हूँ, यानी कि कद्दू कस कर रख ली हूँ। अभी इसे थोड़ा सा हमें गलाना है इसमें। देखिए, मैं यहाँ पर 4 चम्मच चीनी ले रही हूँ। ये चीनी 200 ग्राम है, 200 ग्राम चीनी है। चीनी देख कर डाल लेना, मीठा आप बहुत से घरों में मीठा ज्यादा खाते हैं, कम खाते हैं, तो आप देख कर डाल लेना। यहाँ हमारे घर में थोड़ी सी खुशी है, तो चलिए थोड़ा मीठा बना लूँ ऐसा सोची, तो ये ही बनाकर डाल दो। आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे बोला था कि बनाकर बताइए, ये तो यही आपको भी बनाकर मैं बता दूं, घर में भी हो जाएगा खाने के लिए, इसीलिए मैं बनाकर बता रही हूँ। आप लोग इसे जरूर से बनाकर खाइए, ये बहुत अच्छा रहता है, शादियों वाला मीठा है। हैदराबाद में भी बहुत फेमस है और बैंगलोर में भी बहुत फेमस। बैंगलोर में भी हर जगह शादियों में ये बनता है, बहुत से लोगों को पसंद है। ये मेरे घर में भी बनता है, मैं बहुत से बार दिखाई हूँ ऐसा बनाकर नहीं, लेकिन मैं बता कर रही हूँ आप लोगों को। कद्दू की खीर बनाई हूँ, मेरे घर में भी ये बनता है, बहुत मजे की रहती है। आप लोग भी इसे बनाकर खाएं। जो भी मुझे कमेंट्स में बोले हैं, इसे जरूर से बनाकर खाकर मुझे बताइए कैसा लगा। मैं ये वीडियो नहीं डाली, आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे नहीं डाली ऐसा कुछ सोच रहे थे, चलिए मैं बनाकर डाली हूँ क्योंकि मेरे घर में ऐसी खुशी थी। मैं 2 दिन नहीं आ सकी, वरना मैं ईद मिलाद के दिन भी आकर आप लोगों को मिल सकती, मैं बात करना चाहती थी आप लोगों को, नहीं हुआ, सॉरी। इसलिए आप लोग जो भी मेरे वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मेरा वीडियो को पसंद करते हैं और मेरे घर वालों को मुझे बहुत पसंद करते हैं, जो भी मुझे ऐसा चाहते हैं, उन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही मेरे वीडियो देखते हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिए। अब इसे थोड़ा मैं और अच्छे से पका लेती हूँ। यहाँ पर देखिए, कद्दू अच्छे से, चीनी और कद्दू दोनों भी अच्छे से पक चुके हैं। ये गैस कर लेती हूँ बंद, अच्छे से पका है। अभी दूध की तरफ, यहाँ पर देखिए दूध अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। यहाँ पर देखिए मलाई भी ऊपर से आई है, क्योंकि ये फैट वाला है इसीलिए अच्छे से ये पका है। अभी इसमें मैं साबूदाना डाल लेती हूँ। देखिये, 1 कप भरकर लेकर हूँ, बड़े दानों का लेकर हूँ, मैं इसे डाल लेती हूँ। धोकर मैं भिगो कर रखी थी। भिगोने से क्या होता है, साबूदाना बहुत जल्दी गल जाता है। इसमें बारीक भी मिलता है, आप चाहे तो बारीक भी डाल सकते हैं, लेकिन मोटा वाला बहुत अच्छा रहता है, तो मोटा वाला मैं लेकर हूँ। अभी इसे थोड़ा पकने देती हूँ। पर देखिए, अच्छे से पक रहा है, साबूदाना और दूध दोनों भी अच्छे। साबूदाना बहुत जल्दी गल जाता है क्योंकि भिगो कर डाले हैं इसीलिए। अभी इसमें मैं थोड़ी सी चीनी डालती हूँ, कद्दू में भी मैं चीनी डालकर हूँ। इसमें 1/5 चम्मच जितनी डाल रही हूँ, आप देख कर डाल लेना, आपको चीनी जितनी चाहिए देख कर डाल लेना। मुझे 5 स्पून चाहिए तो मैं डाल रही हूँ। ये अच्छे से पक रहा है। अभी इसमें मैं 1/2 टीस्पून जितना इलायची का पाउडर डाल रही हूँ, बहुत अच्छा रहता है खुशबू। इलायची की मुझे बहुत पसंद आती है, हर मीठे में इलायची डालने से खुशबू बहुत अच्छी रहती है और खाने में भी बहुत अच्छा रहता है। अभी इसे पकने छोड़ती हूँ। फिर अब यहाँ पर मुझे कस्टर्ड पाउडर चाहिए, मैं 2 टीस्पून जितना कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ। कस्टर्ड पाउडर भी इसमें डालना जरूरी है। यहाँ पर देखिये, 2 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर। अभी इसे ठंडे पानी से या ठंडे दूध से मिलाकर इसमें डाल लेना है।
ठंडा पानी यानी कि फ्रिज का पानी नहीं है, नॉर्मल पानी से दूध भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। अभी इसमें कस्टर्ड पाउडर को मिला लेती हूँ। यहाँ पर देखिए कस्टर्ड पाउडर भी डाल ली हूँ, अच्छे से पक रहा है ये। इलायची भी डाली हूँ। अभी क्या करना है, हमें जो कद्दू को गला कर रख लिए थे चीनी के साथ, हमें उसे डाल लेना है। इसे भी हमें एक मिनट अब पकाना है, इन सभी को हमें एक मिनट और पकाना है। यहाँ पर देखिए पिस्ता और बादाम में यानी कि एक 10 से 12 बादाम और पिस्ता, 10 से 12 पिस्ता मैं पीस कर रखती हूँ दरदरा सा। अब इसे भी मैं इसमें डाल लेती हूँ। ये पीस कर डालना जरूरी है इसमें। इसे भी थोड़ा हिला लेना है। अब फिर इसमें खोआ डाल लेना है। यहाँ पर देखिए 2 लीटर दूध और 1.25 किलो मैं खोआ डाल रही हूँ, क्योंकि दूध भी ज्यादा है इसीलिए। और चाहिए तो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 1.25 किलो मुझे बस इतना बस है इसीलिए। अब इसे और एक मिनट मैं पकने देती हूँ। यहाँ पर देखिए ये भी 1 मिनट हो गया है, खोआ भी डालकर 1 मिनट हो गया है। अच्छे से पका, ये कितना गाढ़ा चाहिए मैं बताती हूँ। ये ज्यादा गाढ़ा भी नहीं और ज्यादा पतला भी नहीं। यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे रहना है, ये इतना गाढ़ा रहता है। लेकिन ज्यादा पतला भी मत कीजिए, इसे गाढ़ा गाढ़ा ऐसे खाइए। ये तो तैयार हो गया है, ये तो हो गया। अभी गैस कर लेती हूँ बंद। ये थोड़ा ठंडा करके ही खाइए, ज्यादा गर्मा गर्म भी मत खाइए। अगर गर्मा गर्म खाते हो तो फूक कर ही खाना पड़ता है ना, तो थोड़ा ठंडा कर खा लीजिए। मैं आप लोगों को बताना है इसीलिए थोड़ा गर्मा गर्म ही मैं फूक कर खाकर मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये हो गया है। अभी इसमें यहाँ पर फूड कलर मैं मिलाकर रख ली हूँ, हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिला लेना है। ऐसे कद्दू की खीर हरी ही रहती है। यहाँ पर देखिए अच्छे से मिला ली हूँ। अभी आपको मैं निकाल कर बताती हूँ। अभी इसमें ड्राई फ्रूट डालना है, मैं ड्राई फ्रूट पीस कर डाली हूँ, बादाम और पिस्ता। यहाँ पर और भी ऊपर से डालने के लिए भी मैं काट कर रखी हूँ। अभी क्या करती हूँ इसे निकाल कर बताती हूँ। यहाँ पर देखिए तैयार हो गया है, निकाल रही हूँ। अब कस्टर्ड पाउडर का बताती हूँ आपको। आप जब भी इसमें मीठे में कस्टर्ड पाउडर डालते हो वेनिला ही डालना, दूसरा कस्टर्ड पाउडर मत डालिए, वेनिला कस्टर्ड पाउडर ही डालिए। बिस्मिल्ला। यहाँ पर देखिए देखिए मैं काट ली हूँ एक बॉल में। अभी यहाँ पर ये रोज के पेटल हैं, आपको कहीं भी मिल जाएंगे, बड़ी दुकान में, पंसारी के दुकान में, वैसी जगह आपको मिल जाएंगे। ये मीठे में बहुत ज्यादा जाते हैं, मीठे में शरबत में ये जाते हैं। इसे थोड़ा मैं डाल रही हूँ। देखिए कटे हुए बादाम और पिस्ता, इन दोनों को आप जो ड्राई फ्रूट चाहिए आप डाल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर यही इसमें जाता है। यहाँ पर देखिए ये हो गया है। यहाँ पर देखिए मैं चांदी का वर्क लेकर हूँ, ये भी इसमें मैं डाल रही हूँ। जो शादियों में बनता है मीठे में तो ये जाता है, तो इसीलिए मैं ये भी यहाँ पर डाल रही हूँ। ये देखिए इसे निकालना बहुत मुश्किल होता है, अगर निकल गया हाथ को लग गया तो हाथ से निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं लगाई हूँ, देखिए तैयार हो गया। ये चांदी का वर्क आपको बड़े दुकानों में कहीं भी मिल जाता है, पंसारी का दुकान भी बोलते हैं वहां भी मिल जाता है। ये 120 रुपया पड़ता है, 120 या 130 रुपया एक पैकेट पड़ती है चांदी का वर्क। थोड़ा ये महंगा ही रहता है, आप इसे कहीं से भी ले सकते हैं। अगर मीठों में आपको डालना पसंद है तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। ये देखिए तैयार हो गया है, हैदराबादी बैंगलोरी शादी का मीठा कद्दू की खीर। देखिए मैं खाकर भी बता रही हूँ, खुशबू तो माशाल्लाह मीठे की इतनी अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। बहुत बहुत अच्छा बना है। आप सोचते होंगे मैं खाकर मैं ऐसे ही तारीफ करती हूँ, बहुत अच्छा नहीं। आप बनाकर खाइए, आप लोगों को भी पता चलेगा कि कितना टेस्टी बनता है। जब भी मैं बनाती हूँ बहुत टेस्टी, हमारा टेस्टी रहता ही रहता है, इसीलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को कि टेस्ट बहुत अच्छा है। आप लोग इसे बनाकर खाइए, जो भी मैं अब तक रेसिपी बता करूँ आप लोग बनाकर खाइए, आप लोगों को पता चलेगा कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ। सच में बहुत टेस्टी बना है।
हैदराबादी शादियों का मीठा और बैंगलोर में भी ये फेमस है। कद्दू की खीर बैंगलोर में भी फेमस है, तो मैं आज बनाकर बताई हूँ, मुझे तो बहुत पसंद आये। आप लोग बनाकर खाकर बताइए। देखिए हरी खीर बनाई हूँ, कद्दू की खीर बनाई हूँ। मैं फिर से बता रही हूँ, हैदराबाद में भी बहुत फेमस है और बैंगलोर में भी शादियों में बहुत, ये शादी का मीठा है। ये मैं बनाकर बताई, इसे बनाकर खाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। कल फिर मैं मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।